हमेशा आगे बढ़ने के लिए लर्निंग के ऊपर फोकस करती हूँ. आई कीप ऑन लर्निंग. और लर्निंग करना नहीं है, उसका एप्लीकेशन करना भी बहुत जरूरी है. दिस इज अरोमा मैजिक टोनर. उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं BGM का करेक्टर. जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है, अंडर आईज, डार्क सर्कल्स, मंकी माउथ एरिया, हर जगह पे आपको ये एक ही प्रोडक्ट लगाना है. आप देखेंगे हमने परफेक्टली एप्लीकेशन किया है. फाउंडेशन में हमेशा इस तरीके से लिक्विड इल्यूमिनेटर ऐड कर सकते हैं. ये शार्लेट फिल्मी जो फाउंडेशन है उसका शेड है परफेक्टली हमारे स्किन के ऊपर जा रहा है. तो मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए लर्निंग के ऊपर फोकस करती हूँ. आई कीप ऑन लर्निंग. और लर्निंग करना नहीं है, उसका एप्लीकेशन करना भी बहुत जरूरी है. काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी देते हैं. जब भी आपको वेस्टर्न लुक करना है, थोड़ा ग्लैम लुक करना है, या ब्राइट के ऊपर भी ये जरूर से यूज कर सकते हैं. अब जो दूसरा टेक्निक है, ये टू टोन पैर लेना है आंखों के इनर कॉर्नर में एंड इन दिस नोज एरिया के मिडल में. ये आपको ग्लैम लुक में या तो इवनिंग लुक में आप यूज कर सकते हैं. ये अगेन रेयर ब्यूटी का कॉन्टोर है एंड फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे करना है और यहीं से हमें उसे प्रॉपरली ब्लेंड करना है. इवनिंग मेकअप होता है, थोड़ा ग्लैम लुक अचीव करना होता है, तो उस वक्त में क्रीम पाउडर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. पहले यहाँ पे लगाया और उसे वहाँ पे ही ब्लेंड करना है और फिर धीरे धीरे नीचे भी करना. सेम हम यहाँ पे करेंगे, जस्ट गो अप ताकि एक सी शेप में एक हल्का सा तो शेप क्रिएट हो जाता है. जैसे इनका जो तो चेहरा है साइड से स्क्विज होता है. अब मुझे छोटा सा ब्रश लेना है एंड नोज पे करना. अब आपको इसको ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर. बाद में यहाँ पे यूज करेंगे लिक्विड ब्लश. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ रेयर ब्यूटी. मेक श्योर आप नीचे आज ब्लश नहीं लगा रहे हैं. पैच अप लिक्विड तो हम यूज कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का बनाना रेड पाउडर ऑली स्किन के लिए या फिर समर सीजन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. मीडियम पैन है या उससे डार्क है वो बनाना ब्रेड यूज करें जिसमें थोड़ा सा येलो कलर होता है. जैसे आज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शार्लेट का कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है और पूरे चेहरे के ऊपर एप्लीकेशन करना है. इससे हम इनको डबल लॉक कर रहे हैं इनके चेहरे को. आई एम यूजिंग टू पेस्ट. ये टू पेस्ट का पीच ब्लश है. अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में जाना चाहते हैं यू कैन डेफिनेटली यूज कैरेक्टर कॉस्मेटिक ब्लश पैलेट. देन यहाँ पे यूज कर रही हूँ आई एम यूजिंग ये बॉबी ब्राउन का हाइलाइटर है. द शेड इज ब्रॉन्ज ग्लो. अ वेरी गुड शेड फॉर इंडियन स्किन टोन. तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉर 52 का स्प्रे. फर्स्ट हाफ आईज फुल आईज के बाद हाफ आईज में एप्लीकेशन प्लस फिर ब्लेंड थोड़ा सा बाहर. दिस इज अ गाइडलाइन जो हमें मिल रहा है. दिस इज पी लुइस आई शैडो पैलेट. टेकिंग अ ब्राउन कलर और मुझे प्रॉपरली थोड़ा सा स्मच करना है. आई एम यूजिंग काजल पेंसिल और अगेन हम उसे थोड़ा सा स्मच करेंगे. टेक अ लाइट ब्राउन कलर. हम यहाँ पे कोई भी मीडियम ब्राउन कलर ले रहे हैं. ये जो आई शैडो है ये मैंने सीखा था मेरे इंटरनेशनल ट्रिप में. गौर अगर सिंह करके एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट है उन्होंने एग्जैक्टली यही आई शैडो सिखाया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से ये कोई भी छोटी बड़ी आंखों के ऊपर प्यारा लग सकता है. तो
हमेशा जहाँ पे वो शिमर लगाना है हल्का सा कंसिलर लगाओ। ये जो पैलेट है विच इज एनास्टासिया बेवरली हिल्स हम लेंगे दिस इज अ रस्ट कलर शिमर में। This is Minka palette. बहुत ही हल्के हाथों से बस बीच बीच में बस उतना ही लगाना है। इसलिए मैं जो जो स्टेप यहाँ पे कर रही हूँ ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है उसे समझना बहुत जरूरी है। So I'm using here again Ferrero 52 mascara. Unbelievable. And trust me, it really gives a very nice effect. After this, जो next step हम यहाँ पे कर रहे हैं, that is applying the lashes. मैं यहाँ पे use कर रही हूँ, this is Ricoh का Satin Liner. मैंने Huda Beauty का warm brown color यहाँ पे लगाया हुआ है. ये बहुत ही प्यारा color है, Fair Beauty by Katrina का. बहुत ही प्यारा shade है, trust me very nice shade. It is nice brown color है. Here I'm using my favorite specially for long lasting effect जो मैं जनरली यूज करती हूँ that is Ferrero 52 makeup fixer. Ricoh के ये gloss हैं